हेलो फ्रेंड्स, मीनूज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मखाने का रायता। मखाना जो है वो आपकी हड्डी को बहुत मजबूत करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मैं कोई भी न्यू रेसिपी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए बनाते हैं मखाने का रायता। मखाने का रायता बनाने के लिए ये एक कटोरी मखाना ले लिया है और इसे पहले हम ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे। इसमें कोई घी तेल कुछ नहीं यूज करना है, हमें इसे हमें भून लेना है जब तक जब तक ये जो वो क्रंची ना हो जाए। ये मैंने मखाना का रोस्ट कर लिया है, अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। गैस को बंद कर दे और इसे ठंडा होने दे। मखाना जो है वो ठंडा हो गया है, अब हम इसे चॉपर या जार किसी में भी हमें इसे हल्का सा क्रश कर लेना, ऐसे हो जाना चाहिए। या तो आप बेलना से भी कर सकते हैं, किसी बर्तन पे रख के ऐसे सिंपल टुकड़ा हो जाना चाहिए इसका। तो इसे मैंने चॉपर में रख लिया और हल्का सा ग्राइंड कर लेते हैं इसे। ये देखिए ये हो गया, ये बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है तो ऐसे ही हमें रखना है। अब यहाँ पे मैंने आधी कटोरी दही ली है, इसमें हम डाल देते हैं जो मखाना हमने भून के लिया और क्रश करके। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। दही ज़्यादा जो है वो गाढ़ी ना ले, अगर गाढ़ा दही है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे हल्का सा पतला कर लें। अब इसमें हम डाल देंगे नमक, काला नमक स्वाद अनुसार। भुना हुआ जीरा पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। इसके ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, अच्छे से मिक्स कर दें। ये हमारा मखाना का रायता बनके तैयार हो गया। ये बहुत टेस्टी लगता है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।